अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं, तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं, तो आप असफल होने के लिए भी तैयार रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज़ से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और जब तक करते रहें, जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं, तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं, वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर से हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे ना, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजनाएं बनाएं, फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते, तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हाँ, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलती करना इंसानी फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता, वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसीलिए आपकी गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहेंगे। हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है और हमारी नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिजूल चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज को लेकर करने में लगाए जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे।